हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृत। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अमृत रेसिपीज में। तपती गर्मी के बाद मन को ठंडक देने वाला सावन का मौसम आ गया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। ये देखिए आसमान में कैसे बिजली गड़क रही है, जोरों शोरों से बारिशें हो रही हैं और पेड़ पत्ते फूल सारे हवाओं में लहरा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। इस प्यारे से मौसम में आज बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज पकौड़े। तो फ्रेंड्स, क्या आप मेरे हाथ के बनाए हुए मिक्स वेज पकौड़े खाना पसंद करेंगे? तो चलिए फिर बिना देरी किए बनाते हैं मिक्स वेज पकौड़े और साथ में गर्म गर्म चाय। ये पकौड़े इतने टेस्टी बनते हैं कि आप हलवाई के हाथ के पकौड़े खाना भूल जाओगे। और हेल्दी भी इतने होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियाँ डाली जाती हैं। मिक्स वेज पकौड़ा बनाने के लिए मैं कुछ सब्जियां लूंगी, जिसमें प्याज, मोटी हरी मिर्च, शिमला मिर्च, फूलगोभी, पत्ता गोभी, आलू लूंगी और सबको अच्छे से वॉश करके चॉप कर लेंगे। आपके पास घर पे जो भी सब्जियां हो आप ले सकते हैं। इसमें पालक भी बहुत अच्छी लगती है, आप इसमें गाजर और बैंगन भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने कुछ सब्जियों को चॉप कर लिया है। ये देखिए मैं फूलगोभी को भी अच्छे से चॉप कर लूंगी, पत्ता गोभी भी चॉप करके हम सब सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी को भी अच्छे से चॉप कर लेंगे और सब्जियों में मिक्स कर देंगे और आलू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के सब्जियों में मिक्स कर लेंगे। मैंने सारी सब्जियों को चॉप करके मिक्स कर लिया है। अब उसके अंदर मैं नमक ऐड करूंगी और नमक ऐड करने के बाद मैं 10-15 मिनट रख दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि सब्जियाँ थोड़ा सा अपना पानी छोड़ देगी। अब इसके अंदर मैं 2 कड़छी बेसन की ऐड करूंगी और 2 बड़े चम्मच सूजी की ऐड करूंगी। आप इसके अंदर चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अगर चावल का आटा उपलब्ध नहीं है तो आप जो घर में पोहे होते हैं उसको पीस के भी डाल सकते हैं। सूजी, चावल का आटा, पीसे हुए पोहे डालने से जो हमारे पकौड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। मसालों में मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर डालेंगे और अजवाइन डालेंगे और मैं इसके अंदर कसूरी मेथी डालूंगी। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हिंग और अजवाइन दोनों डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। आप अजवाइन की जगह हिंग भी डाल सकते हैं। हिंग डालने से आपके पकौड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाएंगे। आप एक और ज़रूरी टिप जिससे आपके पकौड़े बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे बनेंगे, उसके लिए मैं खड़ा धनिया लूँगी और उसको हल्का सा तवे पर रोस्ट करके उसको बेलन से दरदरा पीस लेंगे और इसको अपने बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सारे बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने अभी पानी नहीं डाला, जो सब्जियों में नमक डाल के हमने 10 मिनट रखा था उसकी वजह से ये देखिए इसमें मिक्स हो गया बेसन। अभी पानी बाद में डालेंगे। ये देखिए इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी ऐड करा है, ये भी बहुत क्रिस्पी लगता है इसमें। और हरी मिर्च को काट के डाल दूंगी और 2 खड़ी हरी मिर्च डाल देंगे, इससे भी और भी मतलब लाजवाबी हो जाएंगे। एक छोटा अदरक का टुकड़ा घिस के हम बैटर के अंदर डाल देंगे। अब मैं हल्का हल्का पानी ऐड करके अपने बैटर को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मुझे बैटर थोड़ा सा हार्ड कर लग रहा था और इससे क्या कि स्मूथ हो जाएगा बैटर। ये मिक्स वेज पकौड़े हैं इसलिए आपको बेसन जो है वो बिल्कुल हिसाब से डालना है। ऐसा डालना है मिक्स वेज और बेसन की आपस में बॉन्डिंग बनी रहे। ऐसा नहीं है कि सब्जियाँ ज़्यादा डाल दी, बेसन कम डाल दिया, ऐसा नहीं करना। ऐसा बैटर बनाना है कि आप जब पकौड़े तलें तो आपके पकौड़े टूटे नहीं, वेजेस जो हैं वो बाहर नहीं आए और अच्छे से तल जाएं। एक और ख़ास और आखिरी टिप्स, जो मैंने पकौड़े के लिए तेल गरम करके रखा था वो गरम हो गया है और उसमें से 1 कड़छी गरम तेल की लूँगी और बैटर के अंदर ऐड कर देंगे। ये तुरंत पकौड़े बनाने से पहले करना है, इससे आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। पकौड़े बनाने के लिए हमेशा एक कढ़ाई का यूज़ किया जाता है। जो कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाला था वो मैंने मीडियम आंच पे रखा था और वो अच्छे से गर्म हो गया है। हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब ये पकौड़े तलने के लिए रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम से हाई फ्लेम पे कर देंगे और जो पकौड़ों का बैटर है वो थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके गर्म तेल के अंदर डालते जाएंगे। आपको अपनी गैस का फ्लेम पकौड़े तलते समय हाई ही रखना है। अगर आप अपनी गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे तो आपके पकौड़े जो हैं वो तेल पी जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे, वो चिपक भी सकते हैं। गरम तेल के अंदर पकौड़ों का बैटर डालने के बाद उसको तुरंत नहीं हिलाना है, उसको थोड़ा सा फ्राई होने देना है। उसके बाद अल्टी पल्टी करके उसको फ्राई कर लेना। जो देखिए सारे पकौड़ों को मैंने अल्टी पल्टी करके फ्राई कर लिया है। जो देखिए कितने सुंदर क्रिस्पी मिक्स वेज पकौड़े बन के हमारे रेडी हो गए हैं। अब ये हमारे मिक्स वेज पकौड़े खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
पकौड़े तलने के बाद अगर तेल में कुछ रह जाता है तो उसको आप छन्नी की सहायता से निकाल लें, इससे आपका तेल जो है वो साफ सुथरा रहेगा और आपके पकौड़े अच्छे से फ्राई होंगे। ऐसे ही हम बाकी बचे हुए बैटर के पकौड़े हाई फ्लेम पे तल लेंगे। देखिए जो मिक्स वेज पकौड़े हमारे बहुत टेस्टी बनते हैं, आप इसे किसी भी मौसम में बना सकते हैं, आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जो बच्चे सब्जियां खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, हो सकता है वो पकौड़ों के अंदर सब्जियां खाना पसंद करें और उनको सब्जियां खाना अच्छी लगे, और इसको हम भजिया भी बोलते हैं। लीजिए हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मिक्स वेज पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो इसके साथ पुदीने हरे धनिए की चटपटी खट्टी मीठी चटनी भी बना सकते हैं, आप इसको सॉस के साथ भी खा सकते हैं। मैंने इसके साथ खट्टी मीठी चटपटी इमली की चटनी बनाई है, ये भी पकौड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है और पकौड़े इजिली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं, और मैंने गर्मा गर्म चाय भी बनाई है। लीजिए हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मिक्स वेज पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं, हमारी चाय भी बन गई है। आप इसे ज़रूर घर पे बनाएं और इस मौसम का आनंद लें। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें, ताजो मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।